इम्पॉर्टेंटली आई थिंक पीआईए यकीनी तौर पर एक सक्सेसिव गवर्नमेंट्स कोशिश करती रहीं उसकी इस्लाह करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए नाकामी उसका नाकामी का सामना करना पड़ा। कैंसिल हो गई, रात में ईमेल करते ना, आपने रात में ईमेल क्यों नहीं की? मैम मैं कह रहा हूँ मेरा $6,000 का नुकसान है, आप $6,000 का वाउचर बना के दे मुझे, मैं जाता हूँ अभी आपके साथ, बनाइए आप। कैसे उसका इंडेक्स बढ़ रहा है, उसका कोई डायरेक्ट ताल्लुक आम आदमी की परेशानियों से, जिसमें महंगाई है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, नहीं है भाई। मसला यह है कि पाकिस्तान में लोगों से टिकट, लोग जब टिकट खरीदते हैं आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए, जैसे ये पाकिस्तान के अंदर या अभी दुबई जाना चाहते हैं या फिर किसी और देश से, जब ये पीआईए की टिकट खरीदते हैं, जब ये एयरपोर्ट पे आते हैं तो एयरपोर्ट पे इनको प्लेन नहीं मिलता। लाहौर से ही खबर है, गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। नाश्ते और खाने के औकाफ में गैस सप्लाई न होने के बराबर है। लाड़काना डिवीजन ने बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान सैपको हुकाम का अनोखा कारनामा, 2.5 साल बच्चे पर बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज करा लिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान की पीआईए को अब कतर भी नहीं खरीद रहा, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर काकड़ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जब कतर का दौरा किया था, तब पाकिस्तानियों को उम्मीद थी कि कतर पाकिस्तान के एयरलाइन पीआईए को $2 अरब में खरीद लेगा, लेकिन कतर ने अभी साफ इनकार कर दिया है। पीआईए के पास पूरी तरीका से फ्यूल ख़त्म हो चुका है, फ्लाइट लगातार रद्द होती चली जा रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान में हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि पीआईए के लिए बैंकों ने भी कर्ज देने से इनकार कर दिया है। पीआईए पर पहले ही इतना ज़्यादा कर्ज था जो कि पाकिस्तानी सरकार चाहकर भी प्राइवेटाइज नहीं कर पा रही, और फिर अब ये प्रोसेस जो एक्सपेडाइट किया जा रहा है, और इसमें जाहिर है कि सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला है प्राइवेटाइज करना, तो एक अलग बात कि इसको कैसे प्राइवेटाइज किया जाए और जो इसके लाइबिलिटीज़ हैं पीआईए के ऊपर, खास करके जो कर्जे हैं कमर्शियल बैंकों से लिए हुए हैं, उसको किस तरीके से डील किया जाए। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट की कोशिशों के बावजूद सुना है कि अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, और उसकी वजह क्या है? देखिए, केयर टेकर गवर्नमेंट जब इक्तदार में आई तो इनका और फिर SIF से जो एक ज्वाइंट फोरम है मिलिट्री का और सिविलियंस का, वहाँ पे ये फैसला हुआ कि जो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली कंपनी है या सरकारी अदारा है वो PIA है, तो जिसके इस साल के जो नुकसान का तखमीन है वो 153 अरब रुपया मिनिमम लगाया गया। तो फैसला ये हो कि इसको फास्ट ट्रैक करके इसकी निजकारी की जाए, और इसको फास्ट ट्रैक करने के लिए जो प्राइवेटाइजेशन का पोर्टफोलियो था वो डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा से वापस लेकर फवाद हसन फवाद को काबीना में शामिल किया जाता है और उनको वो पोर्टफोलियो दिया जाता है। उसके साथ ही जो काबीना की निजकारी की कमेटी है उसकी सदारत भी डॉक्टर शमशाद से वापस लेकर फवाद साहब को दी जाती है, कि ताकि प्रोसेस एक फास्ट ट्रैक के ऊपर चला जाए। लेकिन जिस जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसे लगता नहीं है कि ये टारगेट्स अचीव होंगे, कोशिशें ज़रूर हो रही हैं। इस वक्त जो अहम बात है वो ये है कि आपको पता है कि जो पिछले माह बल्कि अक्टूबर नवंबर में एक क्राइसिस की सूरत हाल बन गई थी, 700 से ज़्यादा जो फ्लाइट्स थी पीआईए की कैंसिल हो गई थी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजंस, उनके पास पैसा नहीं था, फ्यूल नहीं खरीद सकते थे। तो अब खदशात ये दोबारा पैदा हो रहे हैं, और ऐसी इतलात आ रही हैं कि पीआईए को दोबारा इसी किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। उसकी वजह यह है कि 23 अक्टूबर को एक कमेटी बनाई थी, टेक्निकल कमेटी डॉक्टर शमशाद अख्तर ने, जिसकी सरबराही जो थी वो फवाद साहब के एक जो इम्पोर्टेंट उनके ऑफिसर हैं जिनको खुद वो सिलेक्ट करके प्राइवेटाइजेशन कमीशन में लेके आए, उस्मान बाजवा साहब वो इस वक्त सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन कमीशन है, उनके मतहत ये कमेटी बनाएगी। उसको 3 टारगेट्स दिए गए। नंबर 1, पीआईए का जो कर्जा है 260 अरब का डोमेस्टिक बैंक से जो लिया हुआ, उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए और विद इन 2 वीक्स किया जाए। दूसरा उसका टारगेट ये था कि जो पीआईए को 15 अरब रुपया फौरी चाहिए। फौरी क्यों चाहिए था? आपको पता है क्राइसिस लाइक सिचुएशन बन चुकी थी उस वक्त, तो उनको कहा 2 दिन में 15 अरब रुपया आप अरेंज करें। कितने दिन में? 2 दिनों में, और ताकि पीआईए को ये पैसा मिल जाए और वो फ्लाइट्स का ऑपरेशन उसका बहाल हुए। तीसरा उसका हदफ ये था कमेटी का, उसको जो टारगेट दिया गया कि इसका आप ऐसा एक प्लान बनाएंगे पीआईए का जिसके तहत जो ऑप्टिमल ऑपरेशनल लेवल उसका है, एक मिनिमम लेवल जो जिसको आप रिटेन करके पीआईए को आप मार्च तक चलाएं और तब तक इसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। तो अनफॉर्चुनेटली कमेटी जो अपने तीनों जो अहदाफ हैं वो हासिल करने में अभी तक नाकाम रही है। इसकी जो डेडलाइन थी कमेटी के काम करने की, पहले 8 नवंबर को ख़त्म हुई, इसको 2 हफ्ते की फिर एक्सटेंशन दी गई, और उस 2 हफ्ते की एक्सटेंशन के बाद नाजिम बल्कि 3 हफ्ते की एक्सटेंशन थी। एक्सपेक्टेशन यही थी कि 30 नवंबर तक ये कमेटी जो है अपनी फाइनल रिपोर्ट
वो वजीर खजाना को सबमिट कर देगी और उसके बाद पीआई की डेट की रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर बाकायदा काम शुरू हो जाएगा। तीन अभी तक तजावीज सामने आई हैं इस कमेटी की जानिब से, या कमेटी के जो छह अहम मेंबरान हैं जो कि प्राइवेट और गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक्स हैं, उनकी तरफ से जो तीन तजावीज दी गई हैं वो तीनों तजावीज जो है जो वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर साहब उन्होंने मुस्तरद कर दी हैं। वो तजावीज इसलिए दी गई थी कि पीआई का जो 260 अरब का जो डेट है उसको कैसे उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए, क्योंकि सितंबर इस साल पीआई ये बात कह चुका है पीआई की मैनेजमेंट कि हम ये कर्जा अदा नहीं कर सकते, हमें ये सकत नहीं है। तो जो तजावीज ये थी कि जो 260 अरब रुपए का कर्जा है, नंबर वन हुकूमत या तो इसके अगेंस्ट पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स दे दे तीन साल के लिए, उसका मकसद ये होता है कि ये जो कर्जा ये हुकूमत की लाइबिलिटी बन जाए। दूसरी ऑप्शन ये थी कि आप जीरो कूपन का एक बॉन्ड दे दें, डेट इंस्ट्रूमेंट जहां पे उसको सूद और प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो उसको एक खास मुद्दत के बाद बैंकों को पे होगी। और तीसरी ऑप्शन ये थी कि जिस तरह पावर सेक्टर में उसका जो सर्कुलर डेट है वो कंपनी में पार्क किया हुआ है हुकूमत ने, उसी तरह एक और कंपनी बनाकर उसके अंदर ये 260 अरब पार्क कर दिया जाए। ये तीनों तजावीज जो थी वो वजीर खजाना को देंगी और उन्होंने तीनों तजावीज को मुस्तरद कर दिया और कमेटी को मजीद दो हफ्ते की एक्सटेंशन दे दी गई और 15 दिसंबर की डेडलाइन है कमेटी के पास ये तमाम काम करने की। अब कामरान इसमें जो क्रिटिकल चीज है ये तो फेज गुजर गई कि 260 अरब का तो झगड़ा खड़ा हुआ है, अब मसला यहां पे ये पैदा हो गया है कि 15 अरब रुपया मजीद कर्जा बैंक्स देने के लिए तैयार नहीं है और बैंक्स बिल्कुल अपनी जगह पे हक बजानब है कि एक साइड पे आप उनको कह रहे हो कि 260 अरब जो पिछला कर्जा हमने आपको दिया हुआ है वो आप रीस्केड्यूल कर दो और दूसरी साइड पर कह रहे हो कि 15 अरब रुपए का और कर्जा दे दो। तो ये दो मुतजाद बातें हैं, इनकी आपस में कोई रबत बनता नहीं है। अगर आपकी अथॉरिटी नहीं है 6,000 डॉलर का वाउचर बनाने की, जिसकी हाथ को बुलाए मुझे लिख के दे, मैं बाहर जाता हूँ, लिख के दे मैं बाहर जाऊंगा, वो लिख के देगा मैं बाहर जाऊंगा। मेरे आगे होटल की बुकिंग हुई हुई है, मेरे आगे रेंटल कार की बुकिंग हुई हुई है, आप मुझे वाउचर बना के दे, मैं जाता हूँ अभी। मेरी 6 बजे की मीटिंग थी दुबई में, उस वक्त 5 बजे से इधर हम जलील हो रहे हैं, उसके बाद मेरी अगली फ्लाइट है एम्स्टरडम की। अब इसका सलूशन तो देना होगा, कितना जरूरी काम है और वो वर्थ क्या है उनकी, उनकी वर्थ रुपयों में तो है ही नहीं। अगर हम फिर क्योंकि वो बोलते हैं कि उसमें फ्यूल नहीं है, भाई जब फ्यूल नहीं है तो आप टिकटें क्यों बेच रहे हो? आप बंद कर दो जहां जहां अपने जो है वो ऑफिस खोले हुए हैं, जहां जहां आप वो टिकटें बेच रहे हैं वो जगह बंद कर दो, या आप ऑनलाइन बेच रहे हो वहां पे आप वेबसाइट बंद कर दो, फिर आप लोगों को टिकटें बेच रहे हो। जब लोग अपने पैसों से टिकट खरीदते हैं आते हैं एयरपोर्ट पे तो प्लेन नहीं मिलता, यहां पे ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं हम 18 घंटे से वेट कर रहे हैं। अच्छा भाई, किसी को जरूरी काम होता होता है कि किसी दूसरे देश में जाने के लिए कोई मीटिंग होनी होती है या किसी को इमरजेंसी होती है, कोई मरीज के पास जाता है, कोई डॉक्टर के पास जाता है, किसी के जॉब का मसला होता है, तो यहां पर भाई एरोप्लेन ही नहीं है, पीआईए मिल ही नहीं रहा है। और ये पीआईए के स्टाफ वाले वहां पे ऐसे खड़े हुए हैं जैसे फाइनल हिंदुस्तान नहीं पीआईए वाले हारे हैं। और फिर ये बोल रहे हैं कि भाई, अच्छा इतनी बेशर्मी के साथ ये बंदा बोल रहा है कि भाई मसला कुछ और नहीं है, मसला फ्यूल नहीं है। भाई जब फ्यूल नहीं है तो टिकटें क्यों बेच रहे हो? ये ऐसे हराम खोर हैं कि दूसरे देशों को तो छोड़ो, ये अपने लोगों तक को लूट रहे। और फिर यही बेवकूफ लोग जो पैसे दे के यहां पर पीआईए का वेट कर रहे हैं, पीआईए आराम से किसी कबाड़ खाने में अभी खड़ा हुआ है, ये लोग उसका वेट कर रहे हैं, फिर यही लोग जो है फिर हिंदुस्तान को ट्रोल करते हैं। और अगर ये समझा जाएगा जाए कि स्टॉक एक्सचेंज इम्प्रूव हो रहा है तो मईशत बेहतर हो रही है, ये पूरी तरह से सही बात नहीं है। मगर स्टॉक एक्सचेंज की जो इम्प्रूवमेंट है वो ये ज़रूर निशानदेही करती है कि पाकिस्तानी और बैरूनी सरमायाकार इस बात पर अब पॉजिटिव हैं या कम से कम नेगेटिव नहीं हैं कि उनको मजीद पैसा स्टॉक एक्सचेंज में लगाना है। जब वो पैसा स्टॉक एक्सचेंज में लगाते हैं तो उसका अल्टीमेट नतीजा कंपनियों में एक्सपेंशन होती है, मगर उसमें बहुत टाइम लगता है। तो ये कहना कि इमीडिएट कोई स्टॉक एक्सचेंज की बेहतरी पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी को रिफ्लेक्ट कर रही है, ये बात ठीक नहीं है। तो दोस्तों, पाकिस्तान का पीआईए इस वक्त फ्यूल के लिए तरस रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इतना ज़्यादा पूरी तरीका से पीआईए कंगाल हो चुका है कि उसके पास फ्यूल के भी पैसे नहीं है। लगातार लोग
हंगामा कर रहे हैं क्योंकि उनकी फ्लाइटें रद्द हो रही हैं। पीआईए इस वक्त पूरी तरीके से कंगाल हो चुका है। सिर्फ मुस्लिम देशों पर पाकिस्तान को भरोसा था कि वो पीआईए को खरीद लेंगे, लेकिन कतर ने भी इस बात से इनकार कर दिया क्योंकि पीआईए पर उसके जितने ज़्यादा एसेट्स हैं उससे कहीं ज़्यादा तो उस पर कर्ज है। यही कारण है कि कोई भी पीआईए को खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है क्योंकि पाकिस्तान की केयरटेकर सरकार हर हाल में पीआईए को प्राइवेटाइज करना चाहती है, लेकिन पीआईए अभी भी प्राइवेटाइज नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बेचैन है क्योंकि उनको ना तो बाहर से फ्यूल मिल रहा है और ना ही पीआईए के पास इस वक्त पैसे है। पीआईए को लगातार बैंकों ने भी कर्ज देने से इनकार कर दिया है क्योंकि बैंकों ने पहले ही पीआईए को बड़ी तादाद में कर्ज दे रखा है जो कि पीआईए अभी भी वापस नहीं कर पाया है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।